बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन पर नर्मदा बचाओ आंदोलन का जल सत्याग्रह 3 घंटे तक 25 डूब प्रभावितों के द्वारा सांकेतिक रूप से किया गया। मध्य प्रदेश और गुजरात के करीब 192 गांव डूब गए हैं, बावजूद लोगों का आज तक संपूर्ण पुनर्वास नहीं हो पाया है। पिछोड़ी में जिसको लेकर पिछले 19 दिन से क्रमिक अनशन किया जा रहा है और आज जहां देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, वहीं ग्राम पिछोड़ी में 3 घंटे का जल सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन में आज चेतावनी भी दी गई, अगर सरकार ने आज भी डूब प्रभावितों की सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार ने 192 गांव को डुबाया जा रहा है, जल समाधि दी जा रही है और आज देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हमने आज हमारे लिए मरण दिन हो जाए तो इसलिए हम जल सत्याग्रह जीने का हक जल सत्याग्रह कर रहे हैं और अपनी बातें उठा रहे हैं। आज भी संपूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है। आज जिस गांव पिछोड़ी में बैठे हैं यहां पर आज भी सैकड़ों परिवार ऐसे जिनको पलाट देना बाकी है, इनकी कोई बसावट नहीं, इनको 7 जगह बसाया गया हुआ है, ऐसी स्थिति पर कहाँ जाएंगे? तो सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो आज हमारा एक सरकार को चेतावनी भी है और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कितने लोग जल सत्याग्रह पर उतरे? 25 लोग सांकेतिक रूप से 25 लोग हमारे जल सत्याग्रह कर रहे हैं और अभी ये सांकेतिक 3 घंटे का चलेगा और आगे की कार्रवाई हो। क्या कहोगे इसके बाद भी मांगे कभी पूर्ण नहीं होती? सरकार नहीं सुनेगी तो हम चेतावनी देके बड़ा आंदोलन भी करेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको घेराव करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।